Hello students, welcome to Learnometer. So today we'll start with standard 6th science chapter 1st. Okay, so today's topic is food. Where does it come from? So our first topic is food variety. फूड वेराइटी क्या बताता है टॉपिक से कि हम जो भी खाना खाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में अवेलेबल होता है, राइट? तो यही रिप्रेजेंट करने के लिए एक्टिविटी फर्स्ट है. उसमें क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से सबको पूछना है कि आप एक दिन में क्या क्या खाना खाते हो, ठीक है? और अपने फ्रेंड से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे एक टेबल में नोट कर लेना है, राइट? तो जब आप ये नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास लाइक बहुत सारी वेराइटीज़ है जो हम खाते हैं, ठीक है? लेट्स थिंक अबाउट द राइस, ठीक है? जो हम राइस घर पे बनाते हैं, हम सिर्फ राइस लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसे बॉईल करते हैं, ठीक है? तो जस्ट दो मटेरियल लिए, या हम उसे इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं, और हमने एक डिश प्रिपेयर कर ली, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड कुछ फूड आइटम्स ऐसी भी होती है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. जैसे कि अगर वेजिटेबल करी बनानी है तो हमको अलग अलग वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और सो ऑन, राइट? सो हियर कम्स एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 1 में हमने एक टेबल बनाया था जिसमें हमने कुछ फूड के आइटम्स के नाम लिखे थे. सो अब क्या करना है, सेकेंड एक्टिविटी में आपको उसी फूड आइटम्स के इन्ग्रेडियंट्स लिखना है, ओके? और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे कि रोटी और चपाती, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आटा और वाटर. दाल बनानी है तो उसके लिए चाहिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी एंड स्पाइसेस. सो ऐसे ही आपको अलग अलग फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं. सो यहाँ पे आप कुछ फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना, ओके? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. अब हमने फूड मटेरियल्स तो देखे, पर उसके सोर्सेस, सोर्सेस मतलब कि वो फूड हमें कहाँ से मिलता है, वो फूड आता कहाँ से, ओके? सो हमने जो टेबल प्रिपेयर किया उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स तो हम गेस कर सकते हैं कि वो कहाँ से आते हैं. लाइक सपोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हमें पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं, राइट? प्लांट्स से. राइस और वीट, हमने उसकी फील्ड्स देखी है, राइट? रोज होती है प्लांट्स की और हमें वहाँ से वीट और पैडी मिलता है जो कि ग्रेन्स है. अब अगर हम बात करें मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉक, ठीक है, तो ये सब कहाँ से मिलते हैं, इनका सोर्स क्या है, एनिमल्स, ओके? सो हियर कम्स द एक्टिविटी 3. अब हमको एक्टिविटी 3 में क्या करना है, जो एक्टिविटी 1 और 2 में हमने फूड आइटम्स लिए थे और उसके इंग्रेडिएंट्स लिए थे, राइट? तो वही इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है, ठीक है, वो हमको लिखना है. तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन से इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है, आपने क्या फाउंड आउट किया, ओके? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. सो प्लांट्स सोर्स है फूड के लिए, राइट? लेकिन प्लांट्स के किस पार्ट को हम एज अ फूड यूज करते हैं? कुछ वेजिटेबल्स के लीव्स हम खाते हैं, कुछ के फ्रूट्स, कुछ के रूट्स, स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, राइट? सो कुछ ऐसा प्लांट भी होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड. फॉर एग्जाम्पल, मस्टर्ड प्लांट के सीड्स जो होते हैं उसको, उससे हमें ऑयल मिलता है, एंड उसके लीव्स हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल, राइट? तो ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, उसके बारे में सोचो एंड उसके बारे में नोट बनाओ, ओके? सो हियर कम्स द एक्टिविटी 4. एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, जो हमने लास्टली टेबल बनाया इंग्रेडिएंट्स का, तो उन इंग्रेडिएंट्स को लेना है जिनका सोर्स है प्लांट, ओके? और हमें अब क्या लिखना है कि वो जो इंग्रेडिएंट है वो उस प्लांट का कौन सा पार्ट है,
फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल जो है ब्रिंजल करी में, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? फ्रूट, राइट. ऑयल है, सपोज हम ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑयल जो है वो कहाँ से आया? ग्राउंडनट सीड में से, राइट. सो ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको नोट करने हैं. सो हियर कम्स द एक्टिविटी 5. यहाँ पे हमें कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं, मूंग के या चने के, ओके. अब कुछ सीड्स को हमें एक कंटेनर में लेना है और उसके अंदर वाटर ऐड करना है और इस चीज़ को एक दिन के लिए रख देना है. नेक्स्ट डे पूरे वाटर को हमें कम्प्लीटली निकाल देना है और इन सीड्स को एक गीले कपड़े में रैप करके रख देना है एक दिन के लिए. नेक्स्ट डे हमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे इसमें. सो चेंज क्या होगा कि इन सीड्स में से हमें वाइट कलर के स्ट्रक्चर दिखेंगे सीड में से बाहर आते हुए, ओके. सो अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे सीड्स स्प्राउट हो गए, ओके. अगर आपको स्प्राउटेड सीड्स नहीं मिले तो सीड्स को वापस धोना है, अगेन ड्रेन करना है वाटर एंड उसको एक दिन के लिए रैप करके रख देना है. नेक्स्ट डे हमारे सीड्स स्प्राउट हो जाएंगे. इन स्प्राउटेड सीड्स को हम वॉश करके खा भी सकते हैं, उसको बॉईल भी कर सकते हैं और उसमें स्पाइसेस ऐड करके एक टेस्टी सा स्नैक बना सकते हैं. आपको पता है हनी कहाँ से आता है या वो कैसे बनता है? आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा जहाँ पे मधुमक्खी कंटिन्यूसली बस करती रहती है, राइट. तो बीज क्या करते हैं, वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स में से और उसको उस हाइव में स्टोर करते हैं एंड देन उसको कन्वर्ट करते हैं हनी में, ठीक है. फ्लावर्स और उनका जो नेक्टर होता है वो मे बी सिर्फ एक बार अवेलेबल हो पूरे साल में. सो ये बीज क्या करती है, उसे पूरे साल तक स्टोर करके रखती है. और जब हमें ऐसा बीहाइव मिलता है तो हम इस हनी को कलेक्ट कर सकते हैं, ओके. सो हमने ये तो देखा कि हमें कुछ फूड आइटम्स होती है जो हम एनिमल्स से हमें मिलती है, राइट. पर एनिमल्स क्या खाते हैं? व्हाट डू एनिमल्स ईट? क्या आपके पास कैटल या कोई पेट है जिसकी आप केयर करते हो, लाइक अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट? अगर हाँ तो आपको पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं. बट व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स, लाइक स्क्विरल, पीजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट? वो क्या खाते होंगे एज अ फूड? सो द एक्टिविटी 6 इज ऑल अबाउट दिस ओनली. हमारे पास एक टेबल है जहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं एंड हमें उसके सामने क्या लिस्ट करना है कि ये एनिमल्स क्या खाएंगे, ओके. तो आपकी ये लिस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिएगा. सो एनिमल्स क्या खाते हैं उसके बेसिस पे एनिमल्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट आर हर्बीवोरस, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, ओके. एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स, राइट. एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, सो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनीवोर्स. सो एक्टिविटी 7 में हमें यही करना है, हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोरस एंड ओमनीवोर्स, और हमको उसमें उसकी एग्जांपल्स लिस्ट करना है. जैसे कि काउ इज़ एन एग्जांपल ऑफ हर्बीवोर्स, लायन इज़ एन एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स, डॉग इज एन एग्जांपल ऑफ ओमनीवोर्स. सो ऐसे आपको और एग्जांपल्स लिस्ट करने हैं इस टेबल में, ओके. सो हियर कम्स द समरी ऑफ द चैप्टर. देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. द मेन सोर्सेज ऑफ आर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. एंड द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. So this is all for this chapter.
For learning more, stay tuned, like, share and subscribe. Learnometer.